हे दोस्तों, अगर आप इस चैनल को कुछ टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरी सबसे फेवरेट बुक में से एक, जो मैं हमेशा सबको पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो ऑथर नेपोलियन हिल ने अपने टाइम के टॉप 40-50 सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलके, उनके इंटरव्यू लेके, उन पे स्टडी करके लिखी थी, जो करने के लिए उन्हें लिटरली 20 साल तक लग गए थे। अब ज्यादातर लोगों को लगता था, इंक्लूडिंग मी, कि 20 साल रिसर्च करके नेपोलियन हिल ने जो पहली बुक लिखी थी वही थिंक एंड ग्रो रिच बुक थी। बट सच तो ये है कि सबसे पहले 1928 में उन्होंने जो पहली बुक लिखी थी उसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस, जो 8 वॉल्यूम्स की बहुत बड़ी बुक थी, जिसके अराउंड 10 साल बाद उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखी, उसी बुक के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए और एक छोटी बुक बनाते हुए। सो आज मैं आपको वही लॉ ऑफ सक्सेस बुक, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे बहुत से लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बहुत ज्यादा बेटर समझते हैं, उसके ही कुछ लॉज आपको बताऊंगा, जो बेसिकली सारा डिफरेंस क्रिएट करते हैं रिच और पुअर लोगों में। ये लॉज का यूज करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, इसलिए आज मैं आपके साथ वही कुछ बहुत पावरफुल टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मास्टरमाइंड। रेत के छोटे से छोटे दाने से लेके पूरी यूनिवर्स के बड़े से बड़े स्टार्स भी एक ही चीज से बने हैं, जो है एटम्स। अब आपको पता ही होगा कि एटम्स में न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है उनके ही स्ट्रक्चर और नंबर की वजह से चीजें फिजिकली अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, एक मर्क्यूरी एटम में 80 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियाई के आजू बाजू घूमते रहते हैं। अब अगर एक केमिस्ट इस एटम से बस 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो मर्क्यूरी प्लैटिनियम मेटल बन जाएगा, और अगर वो एक कदम और आगे जाके एक नेगेटिव प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके गोल्ड बन जाएगा। अब ऑब्वियसली ये सब कर पाना हलवा नहीं है, बट ऑथर बेसिकली बस ये एग्जांपल देके बता रहे हैं कि हम सब एक ही चीज से बने हैं, और हमारा ब्रेन भी जो कई अलग अलग थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता है हमेशा। अब कई बार हमारे ये थॉट्स पहले से इतने वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन जब कोई दूसरा दिमाग हमारे थॉट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, अपने थॉट्स से कुछ मिला के या निकाल के, तो कई बार इससे कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जो गोल्ड से भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप उसे कहा जाता है जब एक से ज्यादा दिमाग साथ मिलकर काम करते हैं कुछ ऐसा आउटकम क्रिएट करने के लिए जिससे सबका फायदा हो। अब मास्टरमाइंड ग्रुप भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फॉर्मल टाइप, जहां पहले से ये डिसाइड करके उन स्पेसिफिक लोगों से मिलोगे, मीटिंग करोगे, जो आपकी ही डिजायर्ड फील्ड में, मतलब शायद फाइनेंस, हेल्थ एक्सेट्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। एम यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मिलके आप लोग आइडियाज, प्लान डिस्कस या एग्जीक्यूट करो, जैसे सबका कुछ फायदा हो। और सेकंड टाइप होता है इनफॉर्मल मास्टरमाइंड। हम जितने भी लोगों के साथ टाइम बिताते हैं अपनी लाइफ का, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो सब हमें जाने अनजाने में हमेशा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रिच लोगों की तरह अपना मैक्सिमम टाइम बस उन लोगों के साथ बिताए जो हम पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करे और जो हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करे, क्योंकि ये सब लोग ही हमारे इनफॉर्मल मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे अंधेरे को खत्म करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, सिमिलरली अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको अपने अंदर के अंधेरे को, मतलब अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। नॉर्मली 6 बेसिक फियर्स होते हैं हर इंसान में, जिनमें से एक या उससे ज्यादा ही वो डर, वो रीजन होता है जिसकी वजह से गरीब लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, जबकि रिच लोग इन डर से डील करने का तरीका सीख लेते हैं, इसीलिए ही वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। इन 6 फियर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो, जिसे आप भी सीख सकते हो कि कैसे आप अपने उन फियर्स को हैंडल कर सकते हो। अभी के लिए बस नाम लेके बताओ तो वो 6 फियर्स में से पहला फियर है गरीबी का डर, सेकेंड फियर है बीमारी का डर, थर्ड फियर है बुढ़ापे का डर, फोर्थ फियर है लोग क्या कहेंगे का डर, फिफ्थ फियर है प्यार खो देने का डर, सिक्स्थ फियर है मौत का डर। अब इन फियर से डील करने के बाद आपको एक 5 स्टेप का फॉर्मूला फॉलो करना है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के आपको सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा, जो कुछ ऐसा है। स्टेप नंबर 1, यहाँ आप अपने आप से बोलो कि मुझे पता है मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं अपने डेफिनेट गोल को पूरा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप से डिमांड करता हूँ कि मैं परसिस्टेंट रहूँ और एग्रेसिव रहते हुए कंटिन्यूस एक्शन लेते रहूँ उस गोल को पूरा करने के लिए। स्टेप 2, आप बोलो कि मुझे पता है कि मेरे हमेशा सोचने वाले थॉट्स मेरे एक्शंस के थ्रू बाहर निकलकर उन थॉट्स को रियलिटी बना देंगे, इसलिए हर दिन आधे घंटे में अपने आप को एक परफेक्ट इंसान की तरह सोचूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 3, आप बोलो कि मैं जानता हूँ ऑटो सजेशंस का पावर, कि कैसे हमारा ज्यादा टाइम तक सोचने वाले डिजायर्स अपने आप को रियलिटी बना देते हैं, इसलिए मैं 10 मिनट हर दिन इस बुक के प्रिंसिपल्स को रिपीट करूंगा और अपने दिमाग में बैठा दूंगा। स्टेप 4, यहाँ आप लिखो कि नेक्स्ट 5 साल में आप क्या क्या चाहते हो आपके साथ हो और कैसे आप डिटेल में इसे पॉसिबल करोगे, कितना एफर्ट और टाइम देके। स्टेप 5, आप याद रखो
कि ट्रू सक्सेस झूठ, धोखा और इंजस्टिस के साथ नहीं मिल सकती। इसीलिए आप हमेशा ऐसा काम करोगे जिससे सबका फायदा हो, प्लस आप दूसरों को अपने आप को सर्व करने के लिए इंड्यूस करोगे, क्योंकि आप पहले खुद उन्हें सर्व करोगे। आप जेलेसी, एनवी, सेल्फिशनेस, हेट जैसी चीजों से दूर रहोगे, क्योंकि नेगेटिव इमोशन सक्सेस के बीच आती है बहुत बार। प्लस आप अपने ऊपर सबको बिलीव कराओगे, क्योंकि आप उन पर बिलीव करना सीखोगे। ये सारी क्वालिटीज रिच मेंटालिटी वालों की होती है, जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। नंबर 3, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। एक बार एक औरत गांधी जी के पास आती है और बोलती है, बापू मेरे बच्चे को शक्कर खाने की बहुत गंदी आदत हो गई है, वो जब देखो शक्कर खाता रहता है, आप कृपया करके उसे ऐसा करने से मना करें, वो आपको बहुत मानता है इसीलिए वो आपकी बात जरूर सुनेगा। अब ये सुनने के बाद गांधी जी ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, बस कुछ सोचा और फिर उस औरत को 2 हफ्ते बाद वापस आने बोला। औरत को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने वैसे ही किया। अब 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आई अपने बच्चे को लेके, तब गांधी जी ने उस बच्चे को प्यार से समझाया कि बेटा शक्कर अच्छी चीज नहीं होती, तुम उसे मत खाया करो। ये सुनने के बाद फिर बच्चे को बाहर भेज के उस माँ ने गांधी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, यही बात तो आप पिछली बार भी बोल सकते थे, पर तब आपने नहीं बोला, ऐसा क्यों? इस पर गांधी जी ने कहा, मैंने इसलिए नहीं कहा पिछली बार क्योंकि तब तक मुझे खुद भी शक्कर खाने की आदत थी। इस सिंपल स्टोरी का जो मोरल है, वही सेम चीज नेपोलियन हिल ने भी अपने लॉ ऑफ इनिशिएटिव और लीडरशिप में समझाया है। ज्यादातर लोग बस अच्छी बात करते हैं, लेकिन रियल में वो खुद उस काम को करने का इनिशिएटिव कभी नहीं लेते, और बस दूसरों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनकी बोली हुई चीजें माने, जो हार्डली कभी पॉसिबल हो पाता है। जबकि सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि किसी को भी कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका है पहले खुद वो काम करना, और फिर दूसरों को अपने एक्शन से मोटिवेट करना वही काम करने के लिए। ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा लेसन है, जो यूजुअली गरीब लोगों में देखने नहीं मिलती, बिकॉज गरीब लोग यूजुअली फॉलोअर्स मेंटालिटी के होते हैं, जबकि रिच लोग कई लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं। नंबर 4, एंथुजियाज्म। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो यूजुअली गरीब को अमीर से अलग करता है, वो ये है कि सक्सेसफुल लोग जब कुछ काम करते हैं तो वो उसे हाई एंथुजियाज्म और हाई एनर्जी के साथ करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग यूजुअली अपने काम को लो एनर्जी और लो एंथुजियाज्म से करते हैं। एग्जांपल, ऐसा कई बार रिसर्चेस में देखा गया है कि 2 सेल्समैन जो सेम कंपनी के सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेम फीचर बेनिफिट्स के साथ सेम चीजें बोलते हुए, फिर भी उनमें से वो सेल्समैन जो अपने प्रोडक्ट को एंथुजियाज्म के साथ बेचने की कोशिश करता है, उससे ही लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं कंपेयर टू दूसरे सेल्समैन के। सिमिलरली वो स्पीच लोगों का दिल छू लेती है, लोगों को मोटिवेट कर देती है, जिसे एक इंसान दिल से एंथुजियाज्म के साथ बोलता है। इसलिए आप भी हमेशा एंथुजियाज्म के साथ अपना काम करने की कोशिश करो, बस कैसे भी बस काम खत्म करने का सोच के चीजें मत करो, पुअर मेंटालिटी वाले लोगों की तरह। नाउ एंथुजियाज्म को आप 7 सिचुएशन से ग्रो कर सकते हो। पहला, वो काम करके जिसमें आपका पैशन हो। दूसरा, उन लोगों के साथ रहकर जो हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं, बिकॉज उनका एंथुजियाज्म आप पे भी रब ऑफ होगा। तीसरा, फाइनेंशियल सक्सेस मिलने के लिए काम करके, ये आपको फ्रीडम, जो चाहे वो कर पाने का एंथुजियाज्म देगी। चौथा, जो भी काम कर रहे हो उसमें मास्टरी अचीव करो, बिकॉज मास्टरी की स्किल एंथुजियाज्म ग्रो करती है। पांचवा, अच्छी हेल्थ, बिकॉज अच्छी हेल्थ एनर्जी को इम्प्रूव करती है और एंथुजियाज्म भी। छठा, दूसरों का भला करने वाले काम करके, बिकॉज ये हमें अंदर से अच्छा फील कराता है। और लास्ट 7वां, अच्छे से कपड़े पहनकर, नीट रहकर, बिकॉज ये चीज भी एंथुजियाज्म ग्रो करती है। 5th लॉ, टॉलरेंस। समझो दो आदमी है जो दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब इनमें से एक आदमी जो है वो इनटॉलरेंट है, मतलब अगर कोई इंसान उसके बिलीव, ओपिनियन, उसके जात धर्म का है तो ही वो उसके साथ बिजनेस करता है, वरना वो उनके साथ काम भी नहीं करता। इनफैक्ट वो दूसरे सब लोगों को अपना दुश्मन समझता है। जबकि जो दूसरा बिजनेसमैन है वो टॉलरेंट है, मतलब वो ये बात को समझता है कि लोगों के ओपिनियंस और बिलीव्स अलग अलग होते हैं, और वो लोगों के ओपिनियंस, जात धर्म को देखने के बजाय बस ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है जो एक्चुअल में सच्चे और अच्छे लोग हैं। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से बिजनेसमैन के पास लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी? वेल, ऑथर बोलते हैं इनटॉलरेंट लोगों में 2 क्वालिटी ज्यादा होती है। पहली, वो यूजुअली इग्नोरेंट होते हैं, और सेकंड, वो बहुत इमोशनल डिसीजन टेकर होते हैं। नाउ ऑथर बोलते हैं उनका ऐसा नेचर ही वो सबसे बड़े रीजंस होते हैं जो उन्हें लाइफ में गरीब बना के रखते हैं हमेशा, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग यूजुअली लड़ने और दूसरों की बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि अमीर लोग यूजुअली टॉलरेंट होते हैं, जो बस अपनी और दूसरों की लाइफ अच्छी करने के लिए काम कर रहे होते हैं, बजाय लड़ने के या दूसरे क्या सही क्या गलत बोल रहे हैं इस बात पे फोकस करने के, वो हमेशा अपना फोकस अपने गोल्स पे रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब ओपन माइंड रख के बस अपने गोल्स और सक्सेस पे फोकस करें, क्योंकि एट द एंड इससे ही सबका भला होगा। ये थे बस 5 लॉज उन 15 लॉज में से जो ऑथर ने इस बुक में शेयर करी है।
देखो मैं चाहता तो यहाँ आपको सारे 15 लॉस 10 मिनट के अंदर गिना देता, जो मैक्सिमम लोगों को शायद अच्छा भी लगता और इससे मुझे ज्यादा व्यूज भी मिलते। बट मेरा एम ये वीडियोस बना के आपको बस बुक की सारी बातें गिनाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से एक्चुअल में कुछ वैल्यू ऐड करो अपनी लाइफ में, एक्शंस लेके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, जो मेरे हिसाब से 15 लॉस को गिनाने से बेटर आपको बस 5 लॉस को अच्छे से समझा के हो सकता है। इसलिए आज मैंने आपके साथ बस 5 लॉस ही शेयर करे। अगर आपको मैं गलत लग रहा हूँ और आपको बाकी बचे लॉस भी अभी जानना है तो आप नीचे दी हुई लिंक से जाके सारे 15 लॉस चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और हाँ, मेरे हिसाब से बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको इस बुक को खुद से ही पढ़ना चाहिए, पीडीएफ लेके या इस बुक को खरीद के, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seeken.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो एक महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही सुन के ये बुक समरी बनाई है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा अच्छा लगा, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी समरीज हर हफ्ते डालता हूँ संडे को, और हाँ बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप ये वीडियोस मिस कर दोगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।